नमस्कार, उमर अमन एकेडमी के एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, उमर अमन एकेडमी के एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एचडीएफसी बैंक का जो है वो वीकली एनालिसिस कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि चार्ट पैटर्न जो है वो किस तरह से डेवलप हो रहे हैं। यदि हम ईयरली बेसिस पे देखें तो ईयरली का ओपन है 1440 और 1479 जो है वो क्लोजिंग है। जैसा कि मैंने आपने कई वीडियो में बता रखा है कि आप लोगों को 3 टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए, तो फॉर एनालिसिस हमने यहाँ पे ईयरली, मंथली और वीकली सीरीज का लिया है। तो ईयरली टाइम फ्रेम जो है वो हमारा प्राइमरी ट्रेंड रहेगा, मंथली जो है वो सेकेंडरी रहेगा और वीकली जो है वो हमारा माइनर ट्रेंड माना जाएगा। तो ये तीनों टाइम फ्रेम को जो है वो हम एनालिसिस के लिए यूज कर रहे हैं। ईयरली क्लोज जो है वो उसके ओपन के ऊपर है, तो नेचुरली हमारा ईयर का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। मंथली का 1508 का ओपनिंग है और 1426 का जो है वो क्लोजिंग है, तो ट्रेंड यहाँ पे मंथली ट्रेंड नेगेटिव हो गया। वीकली ओपन जो है वो 1426 है, 1366 जो है वो आपका क्लोजिंग है, तो यहाँ पे वीकली ट्रेंड भी नेगेटिव है। तो हमारे पास जो है वो प्राइमरी ट्रेंड ही सिर्फ अपवर्ड है एंड देयर आफ्टर मंथली और वीकली दोनों जो है वो हमको नेगेटिव देखने को मिल रहा है। तो ये तो ट्रेंड की बात हो गई। और अभी जो है वो यदि हम एनुअल पिवट लाइन की देखें, ईयरली पिवट लाइन जो हमको 1515 का आता है, 1502 का जो है उसका लो आता है, तो पिवट लाइन का जो हाई है वो 1515 है और पिवट लाइन का जो लो है वो 1502, यानी कि ये जो 15 पॉइंट का जोन है वो हमारे लिए एक एक्सट्रीमली सपोर्ट है। और अनफॉर्चुनेटली एचडीएफसी बैंक जो है इसके नीचे चल रहा है, तो एक हमारा जो बेयर और बुल का जो लाइन ऑफ कंट्रोल होता है पिवट, उसके नीचे जो एचडीएफसी बैंक अभी ट्रेड हो रहा है फिलहाल, तो उसके उसका इनहेरेंट जो ट्रेंड है जो वो आपको डाउनवर्ड आपको बता रहा है। सबसे बड़ी बात क्या है, यदि वीकली चार्ट पे हम यहाँ पे देखें तो इट्स अ सॉर्ट ऑफ इवनिंग स्टार कैंडल में जो है इन बिटवीन दोनों तरफ गैप होते हैं, एक छोटा सा कैंडल होता है और एक लेफ्ट हैंड साइड में बुलिश और राइट हैंड साइड में बेयरिश जो है वो कैंडलस्टिक होता है, और यहाँ पे इसके क्लोज के नीचे क्लोजिंग दिया है, तो विच इज मोर बेयरिश। साथ में हमको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि चार्ट पैटर्न की अभी हम बात करें, अभी हम पिवट लाइन के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बात नहीं कर रहे हैं, तो अभी यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे इसने डबल टॉप फॉर्मेशन किया है, डबल टॉप फॉर्मेशन, और दूसरा टॉप जो है उसने इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक, और ये वीकली चार्ट पे बनाया है, तो ये ज्यादा बेयरिश हो जाता है। हालांकि अभी तक उसने इस रेंज को जो है उसको ब्रेक डाउन नहीं दिया है। यदि हम इसको और भी क्लैरिटी के साथ देखने के लिए यदि हम कैंडलस्टिक को लाइन चार्ट बना करके देखें तो भी जो है वो हमको अभी फिलहाल जो है जस्ट मिनट, तो एक बहुत ही छोटा सा हमको क्लोजिंग बेसिस पे जो है वो हमको ब्रेकडाउन देखने को मिला है, लेकिन अभी भी कैंडलस्टिक चार्ट पे जो है वो हमको थोड़ा सा और क्लैरिटी के साथ चाहिए, क्योंकि लोज जो है वो ब्रेक नहीं हुए हैं। तो नेक्स्ट वीक जो है वो हमको इस चार्ट पैटर्न का ब्रेकडाउन हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो हमको पता लगेगा। आप चार्ट पैटर्न जो है ये बिल्कुल ही ट्रेडिंग रेंज का चार्ट पैटर्न है और बहुत ही लंबा कंसोलिडेशन माना जाएगा, ये एक साल का कंसोलिडेशन पीरियड है और ये बैंक निफ्टी का हैवी वेट है, एचडीएफसी बैंक, तो अपने आप में ये बहुत बड़ा जो है वेटेज के साथ साथ जो है ये ट्रेंड डिसाइडर है, तो इस चीज को जो है वो आप ध्यान रखिएगा। पिवट लाइन पे हमने आपको ईयरली पिवट 1515 जो है वो बता ही दिया है, तो आइए चलते हैं इसके मंथली पिवट पे। मैं इन सारे लाइन को जो है वो हटा देता हूँ, तो आइए मंथली पिवट को हम ड्रॉ करते हैं। मंथली पिवट लाइन का जो पिवट का हाई और लो है वो 1487 है, 1487 है और 1457 है, तो ये हमारा पिवट लाइन हो गया। यदि सपोर्ट ढूंढे तो S1 जो है वो हमारा 1375 पे आता है, S1 जो है वो 1375 पे आता है, 13 और 1725 पे जो है
वो हमारा S2 आ रहा है, 1725 पे जो है वो हमारा S2 आ रहा है। तो मार्केट जो है वो इसी रेंज में, अभी मुझे नहीं लगता है कि हमको R1 और R2 मंथली लेवल पे ड्रॉ करने की ज़रूरत होगी। जब हम नेक्स्ट वीक सैटरडे संडे जो इसकी इसका रिव्यू करेंगे वीकली बेसिस पे HDFC बैंक का, तो उस वक्त देखेंगे कि मार्केट ने क्या किया है। मार्केट ने इन सारे वैल्यू जोन्स को जो है वो एक्सेप्ट किया है कि रिजेक्ट किया है, तो उसके बाद जो है वो फर्दर कोई भी मंथली लेवल का यदि हमको ड्रॉ करना होगा तो हम वो करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक हमारा जो कन्फ्लुएंस लेवल आ रहा है वो 1464 का जो है वो वीकली R1 है। वीकली R1 जो है वो 1464 का है, तो ये ध्यान रखिएगा कि 1464 और 1457 ये मंथली पिवट लाइन है, तो वहां पे ये दो डिफरेंट टाइम फ्रेम के, तो ये डबल पिवट जोन है। तो नेक्स्ट वीक के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जोन जो यदि है, यदि वहां तक ये मार्केट गया तो 1465 का जोन रहेगा, क्योंकि वहां पे दो डिफरेंट टाइम फ्रेम के पिवट लाइन जो है वो वहां पे मर्ज कर रहे हैं। तो एक चीज है, आप लोग भी जो है वो हमेशा मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में जो है वो हर एक दूसरे टाइम फ्रेम के साथ पिवट लाइन को जो है वो देखिए कि यदि कोई डिफरेंट कहीं पे वीकली R1 S1 आएगा या पिवट आएगा, तो कहीं पे आपको ईयरली और मंथली आपको S1 S2 S3 कोई भी लेवल यदि आ रहा हो तो उसका वो कन्फ्लुएंस जोन बन जाता है, तो उसकी इम्पोर्टेंस जो है वो सबसे ज्यादा हो जाती है, तो उसको क्लीनली आपको वॉच करना पड़ता है। तो ये हमारा जो है वो क्लैरिटी एकदम क्लियर चार्ट है। पिवट रेसिस्टेंस का जो है सपोर्ट रेसिस्टेंस लाइन जो है वो हमने ड्रॉ कर दिया है, और कोशिश कीजिए कि अपने चार्ट को जो है वो ज़्यादा साफ रखें, क्लीन रखें, और ज़्यादा इंडिकेटर इस पर ना लगाएं। जैसे हम प्राइस एक्शन फॉलोअर हैं, तो प्राइस एक्शन के लिए हमारे लिए ये की सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लाइन होते हैं, और यहाँ पे जिस तरह का कैंडलस्टिक फॉर्मेशन होता है या प्राइस एक्शन छोटे टाइम फ्रेम में बनाता है, उसके अकॉर्डिंगली जो है वो ट्रेड लिया जाता है। आप भी हमेशा पिवट लाइन को प्राइस एक्शन के साथ ट्रेड करें, वहाँ पे कोई पैटर्न बना रहा हो, कोई कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हो रहा हो, उसके साथ यदि आप उसके कॉम्बिनेशन में यदि ट्रेड करेंगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी जो है वो ज़्यादा हो पाएगी। तो ये सारे जो है वो हमने ड्रॉ करना आपको सिखाया है। आप अपने भी स्टॉक पे जो है वो कैलकुलेट कीजिए और उसको मैनुअली ड्रॉ कीजिए, एक्सेल शीट पे भी आप कैलकुलेट कीजिए, और हो सके तो अपने ट्रेडिंग प्लान को कॉपी में लिखिए और फिर उसको नेक्स्ट वीक जो है वो उसको रिव्यू कीजिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, नमस्कार।